LIC प्रस्तुत करता है डिजिटल बाल मेला, बच्चों के लिए बड़ा अवसर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बाल सत्र 12 जून 2023। 68 बच्चे पहुंचेंगे शिमला, 21,000 का इनाम। मैं प्रियंका चंदेल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मल्यावर की 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ। यदि मैं शिक्षा मंत्री होती तो मैं इस विषय पर अपने कुछ शब्द प्रकट करने जा रही हूँ। एक विद्यार्थी होने के कारण जब मैं आज की शिक्षा पद्धति पर नजर डालती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जितनी दुर्दशा हमारे देश की शिक्षा की हो रही है उतनी ही किसी अन्य क्षेत्र में हो रही है। लॉर्ड मेकाने द्वारा भारत में लागू की गई शिक्षा ये भी हमारे आस पास हमारे देश में चल रही है, परंतु इसमें कोई सुधार नहीं आया है। मैंने पढ़ा था कि हमारे देश की शिक्षा पद्धति को सुधारने के लिए बहुत सी समितियां बनाई गई, परंतु फिर भी इसमें कुछ खास सुधार नहीं आए हैं। इसलिए मेरे मन में यह विचार आया कि यदि मैं देश की शिक्षा मंत्री होती तो मैं इनमें समस्याओं का समाधान अवश्य करती। आजकल हमारे देश में दो तरह के विद्यालय चल रहे हैं, एक वे पब्लिक स्कूल जहाँ अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं तथा जहाँ शिक्षा प्राप्त करने की कम से कम 5 से 25 हज़ार तक ग्रेजुएशन फीस लगता है तथा जहाँ शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रहता है, तथा दूसरे वे सरकारी स्कूल जहाँ हमारे समाज के मध्यस्थ तथा निर्धन लोगों के बच्चे पढ़ते हैं जो कि पब्लिक स्कूलों में पढ़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यदि मैं देश की शिक्षा मंत्री होती तो मैं एक ही तरह के विद्यालयों की स्थापना अपने देश में करवाती। इसी के साथ शिक्षा मंत्री बनने पर मेरा ध्यान पाठ्य पुस्तकों पर भी होगा। मैंने स्वयं देखा है कि प्राथमिक मध्यस्थ तथा उच्च श्रेणी के जो बच्चे हैं उनके वस्तुओं का बोझ उनके स्वयं से बोझ से भी अधिक होता है तथा उन बच्चों को ना तो मनोरंजन का समय रहता है ना ही खेलने का समय रहता है। यदि मैं देश की शिक्षा मंत्री बन जाती हूँ तो मेरा ध्यान उनकी पाठ्य पुस्तकों के बोझ को भी कम करने पर भी होगा। मैं शिक्षा को धर्म तथा राजनीति से अलग रखने के लिए अनेक कानून बनाऊंगी तथा जो शिक्षण संस्था मेरे कानूनों का उल्लंघन करेगी मैं उनके प्रति कड़ी कार्रवाई करूंगी। मैं जानती हूं कि मेरी शिक्षा में सुधार प्रयुक्त योजनाएं साकार करना कठिन है, परंतु मैं ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मुझे एक बार शिक्षा मंत्री बना दीजिए। धन्यवाद।